अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शादमान मिलाग और मैं हूँ आपका होस्ट आमिर अब्बास। आज हमने यहाँ पे सफाई करवानी थी एक्सवेटर से, तो थोड़ा सा यहाँ घास उगा हुआ है, तो मैंने कहा यहाँ बकरियाँ वगैरह को ना थोड़ा चरा लूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ, ये घास है, यहाँ से कचरा भी उठाना है, ईंटें वगैरह पड़ी हैं, पत्थर पड़े हैं, ये सब कुछ उठा के ना बाहर फेंकवाना है। यहाँ पे सफाई करवा के दरख्त वगैरह लगाने हैं साय के लिए, फ्रूट वगैरह के लिए। तो अभी मैं बकरियों को यहाँ चरने के लिए छोड़ता हूँ, चलो ये जो घास उगी हुई है ये खा लेंगे। तो अभी आपको दिखाता हूँ ये घास, ये जो है ना सामने नज़र आ रही है ना, ये वाली घास उगी हुई है थोड़ी। चलो मैंने कहा ये बकरियाँ वगैरह ना चरा लेते हैं, और ये कचरा जो पड़ा है ना, पत्थर वगैरह, इसको उठवाना है, और वहाँ पे जो ईंटें वगैरह पड़ी हैं ये उठा के ना बाहर फेंकनी है। ये घास वगैरह ये सब है, मैंने कहा थोड़ा बकरियाँ चर लेंगी तो ज़बरदस्त। ये वाटर प्लांट है, ये मौकब के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी ये ख़राब है, इसकी जब दूसरा लगाया हुआ है ना, तो ये अब फॉर सेल के लिए रखा हुआ है। दो तीन पार्टी आई जो हैं देखने के लिए, लेकिन अभी कोई इरादा उनका नहीं बना। ये देखें, अभी मैं बकरियों को ना बाहर बुलाता हूँ, आप खुद भी देखें। ये बाहर आ रही हैं चरने के लिए, चलो थोड़े घास चर लेंगी। वो खड़ी है दुम्बी, ये दुम्बी भी आ रही है, तंग भौगत करेंगी। अभी बाहर कभी गई नहीं है ना, तो तंग करेंगी। अभी ये दूसरे घाव में जा, जैतून खा रही थी। चलो मैंने कहा ये थोड़ा सा घास पड़ा ये खाना है, तो ज़बरदस्त। अभी कुत्ता भौंक रहा है, तो जब भी ये बाहर जाए तो बहुत भौंकता है कुत्ता। ये दूसरे जानवर, ये बड़ा होशियार है कुत्ता हमारा, बहुत होशियार है। चार तो रहे हैं देखो, चलो मैंने थोड़ा चार लेंगे, कचरा वगैरह उठाना है ना, वो भी उठा लेंगे। तो ये जो कचरा पड़ा है ना, ये आज उठवाना सारा शावल से। ये अभी देखें बड़े मज़े से चर रही हैं। ये देखें, ये ना सामने मोटर लगी हुई है पानी वाली, इसी से हम ये सारा खेत वगैरह ना पानी लगाते हैं इसी यहाँ से। ये मोटर है, ये छोटी सी ताला बना हुआ है, ये देखिए इधर से पानी लगता है और उस साइड से भी पानी लगता है। ये बड़ा शैतान है बकरा, सुबह मैंने इन्हें छोड़ा था, लेकिन थोड़ा ना पानी वगैरह था जिसकी वजह से फिर ये नहीं खा रहे थे, फिर मैंने इनको अंदर डाल दिए। फिर अभी थोड़ा घास सूख गई है, पानी वगैरह जो शबनम वगैरह वो सूख गई है, अभी भी सही नहीं चल रहा है इनका। असल में घास बहुत है ना, वो अभी भी
सही तरीके ना ये खानी है। ये बकरी ना बैगनेट है, ये बकरी बैगनेट है, ये पता नहीं है कितने माह की है। मुझे हाज साहब कहता है कि अभी ये बच्चा देगी, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, पाकिस्तान में तो 6 माह के बाद बच्चा दे देती हैं, तो अब ये पता नहीं है कि ये कितने माह की बैगनेट है। अगर कंफर्म पता हो तो फिर बंदा बता सकता है कब देगी। एक रात तो मुझे इसने कहा है कि पूरी रात देखते रहना कि आज ये बच्चा देगा। मैंने कहा अभी उसके निशानी भी नहीं है ऐसी कि वो बच्चा दे, तो मैंने कहा ठीक है मैं देखता रहूँगा। सुबह हुआ मैंने कहा बच्चा तो नहीं हुआ, आप कह रहे थे बच्चा होना बच्चा होना, मैंने कहा जब होगा तो मैं आपको बताऊँगा। असल में यहाँ दीवार के साथ ना छोटा सा गैप था, तो ये जानवर ना दूसरी ये घर की तरफ आ गए हैं। अभी मैंने उनको पीछे भगाया है, बड़ा शरारती है ये, इनको तंग कर दिया। अभी मैं इनको ना अंदर ही ड्रॉप कर देता हूँ, ये बाहर नहीं रहते ना, खाते हैं सही। घास तो बहुत है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है खाने के लिए इनके पास। चलो अभी मैं इनको अंदर ही डाल देता हूँ, ये इस काबिल है, बाहर रहने वाले नहीं है ये जानवर। दरवाज़ा खोलता हूँ, दरवाज़ा खोल के ना आपने चल लिया। ये कुत्ता बड़ा होशियार है, यकीन करो, बस रात को परिंदे वगैरह आपस में लड़े, ये बड़ी शैतानी करने के लिए तुली हुई है लगता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये हमारा कुत्ता बड़ा होशियार है, यकीन करो, बहुत बहुत होशियार है। रात को ना इसको खोल देते हैं, दिन को फिर बांध देते हैं। अभी ठिकाने आ गए हैं अपने।